मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। जो कपड़ों पे रंग चढ़ा दे उसे रंगरेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड की उन टॉप 10 मूवीज के बारे में जिनमें डकैतों की जिंदगी को दिखाया गया है, साथ ही इन मूवी को ऑडियंस ने बेहद पसंद किया है। तो आइए जानते हैं इन टॉप 10 मूवीज के बारे में। नंबर 10 पर मूवी है सोन चिड़िया। ये मूवी साल 2019 में आई थी। फिल्म सोन चिड़िया डाकुओं की कहानी को एक नए तरीके से पेश करती हुई फिल्म है। ये फिल्म डाकुओं की जिंदगी को लेकर बॉलीवुड के दर्शकों का नजरिया बदलने का दम रखती है। फिल्म सोन चिड़िया की कहानी डाकू मानसिंह के गैंग की कहानी है। इस फिल्म में बीहड़ को उस तरीके से दिखाया गया है कि दर्शकों के मन में घोड़े वाले डाकुओं की फिल्मों का हैंगओवर एक झटके में उतर जाएगा। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, भूमि पेडनेकर और मनोज वाजपेयी जैसे शानदार कलाकार देखने को मिले थे। नंबर 9 पर मूवी है चाइना गेट। साल 1998 में आई इस फिल्म का डायरेक्शन किया था राजकुमार संतोषी ने। फिल्म चाइना गेट में खतरनाक डाकू जागीरा ने अपने खतरनाक स्टाइल से सभी के मन में खौफ पैदा कर दिया था। फिल्म में मुकेश तिवारी ने डाकू जागीरा के रूप में शानदार अभिनय किया है। बेहतरीन कलाकारों से सजी इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह, डैनी डेंगसोप्पा, अमरीश पुरी के अलावा और भी कई अन्य नामी कलाकार नजर आए थे। फिल्म में डाकू जागीरा का डायलॉग तो वो आप सभी को याद ही होगा, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। नंबर 8 पर मूवी है पान सिंह तोमर। ये मूवी साल 2012 में आई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है तिग्मांशु धूलिया ने। फिल्म पान सिंह तोमर असली जिंदगी पर आधारित फिल्म है। रियल स्टोरी पर बनी इस फिल्म में डाकू के किरदार को बेहद ही संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म नेशनल लेवल के एथलीट रह चुके पान सिंह तोमर की बायोग्राफी है, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला था। 7 बार इंडियन नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट पान सिंह तोमर को उस वक्त डकैत बनने पर मजबूर होना पड़ता है जब उसकी मां की हत्या के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पान सिंह तोमर फिल्म को डाकुओं पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म में इरफान खान ने पान सिंह तोमर के रूप में शानदार अभिनय किया था। नंबर 7 पर मूवी है बैंडिट क्वीन। हिंदी सिनेमा में जब भी डकैतों का जिक्र छिड़ेगा तो बैंडिट क्वीन मूवी का नाम जरूर आएगा। साल 1996 में आई इस फिल्म में डकैत फूलन देवी की जिंदगी को हूबहू पर्दे पर उतारा गया है। शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए एक आई ओपनर मूवी थी और इस मूवी को खूब पसंद भी किया गया था। बीहड़ की खतरनाक महिला डकैत फूलन देवी की जिंदगी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन बेहतरीन फिल्मों में आती है। इस फिल्म ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत तारीफें बटोरी थीं। बीहड़ के डकैतों की असल जिंदगी पर फिल्माई गई फिल्म बैंडिट क्वीन को डाकुओं पर बनी फिल्मों में आइकॉनिक मूवी माना जाता है। फिल्म में सीमा विश्वास ने फूलन देवी का किरदार निभाया है। नंबर 6 पर मूवी है मदर इंडिया। ये मूवी साल 1957 में आई थी। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के उस माँ के किरदार को कौन भूल सकता है जिसने अपने डाकू बेटे पर गोली चला दी थी। फिल्म में राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त ने नरगिस के बेटों की भूमिका निभाई है। वैसे तो ये फिल्म अकेली माँ के जीवन की कहानी पर बनाई गई फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में हालात का शिकार होकर सुनील दत्त डाकू बनने पर मजबूर हो जाता है। नंबर 5 पर मूवी है मेरा गांव मेरा देश। ये मूवी 1971 में आई थी। राज खोसला के डायरेक्शन में बनी फिल्म मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना डाकू के किरदार में नजर आए थे। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना स्टारर इस फिल्म में। धर्मेंद्र ने फिल्म में एक चोर की भूमिका निभाई थी जो सुधरने के बाद डाकू बने विनोद खन्ना को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। नंबर 4 पर मूवी है मुझे जीने दो। ये मूवी 1963 में आई थी। ये फिल्म डकैतों पर बनी सबसे सटीक फिल्मों में से एक मूवी मानी जाती है। ये फिल्म उस दौर में बनी थी जब चंबल घाटी में डकैतों की समस्या अपने चरम पर थी। मणि भट्टाचार्य के डायरेक्शन पर बनी इस फिल्म में सुनील दत्त, वहीदा रहमान, निरूपा राय, राजेंद्र नाथ और मुमताज ने शानदार अभिनय किया था। नंबर 3 पर मूवी है जिस देश में गंगा बहती है। ये मूवी 1960 में आई थी। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में प्राण ने डाकू रागा के रूप में शानदार अभिनय किया है। प्राण की इस एक्टिंग के जरिए लोग उनके दीवाने हो गए। प्राण डाकू के इस रोल के जरिए खौफ पैदा करने में कामयाब रहे थे। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था राधू कर्माकर ने। नंबर 2 पर मूवी है शोले। कम ही लोग होंगे जिन्होंने रमेश सिप्पी की 1975 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी शोले नहीं देखी हो। आपको शायद पता नहीं होगा कि गब्बर सिंह एक असली डकैत का नाम भी हुआ करता था जो चंबल घाटी के सबसे खूंखार डकैतों में से एक था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने 1959 में उसके सिर पर 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की थी। फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और जया प्रदा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। नंबर 1 पर मूवी है गंगा जमुना। ये मूवी 1961 में आई थी।
वैजयंती माला और दिलीप कुमार की इस क्लासिकल मूवी को कौन भूल सकता है। हालात के सामने सीधे साधे दिलीप कुमार का स्वभाव धीरे धीरे बदल जाता है और वो डाकुओं के गुट में शामिल हो जाता है। इसके बाद डाकुओं की जिंदगी से बाहर आ पाना दिलीप कुमार के लिए नामुमकिन हो जाता है और आखिरकार भागते हुए एक दिन इस डाकू का अंत हो जाता है। गंगा जमुना फिल्म का डायरेक्शन किया था नितिन बोस ने। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना बॉलीवुड की उन टॉप 10 मूवीज़ के बारे में जो डकैतों की ज़िंदगी पर बनी हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।